दोस्तों हो गया कंफर्म, यहाँ पर ये चार टीमें जाएंगी आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में। अब दोस्तों कौन सी है वो चार टीमें, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का 16वां सीज़न 31 मार्च से शुरू हो रहा है, 31 मार्च से शुरू होकर ये लीग 28 मई तक चलेगी, लगभग 2 महीने चलने वाली। दुनिया की इस सबसे बड़ी महंगी और लोकप्रिय लीग में 74 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 70 लीग मुकाबले जबकि 4 अन्य मैचों में प्लेऑफ और फाइनल शामिल है। तो दोस्तों पहला मुकाबला 4 बार के चैंपियन एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाले गुजरात टाइटंस के बीच में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और लीग अभी शुरू भी नहीं हुई है कि फैंस के दिमाग में एक बात चलने लगी है कि इस बार वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी। तो आइए जानते हैं उन 4 टीमों के बारे में जिनकी आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में खेलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर नाम आता है गुजरात टाइटंस का। हार्दिक पांड्या कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला सीजन जीतकर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट की कप्तानी करते हुए भी हार्दिक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को लगातार जीत दिलाई। गुजरात के पास हार्दिक के अलावा राशिद खान, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, केन विलियमसन, अल्जारी जोसेफ जैसे खिलाड़ी हैं जिनके नंबर ये टीम एक बार फिर से प्लेऑफ खेल सकती है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी टीम है उसका नाम आता है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम। दोस्तों संजू सैमसन कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 का फाइनल खेला था। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरी ये टीम अगले सीजन में भी प्लेऑफ में पहुंचने का दम रखती है। राजस्थान रॉयल्स के पास कप्तान संजू सैमसन, जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल, इसके अलावा शिमरन एटमायर, एडम जैम्पा, ट्रेंट बोल्ट, जेसन होल्डर, ओबिद मैकॉय, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग, कुलदीप सैन, रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी मौजूद। और दोस्तों ये सारे खिलाड़ी मैच विनर खिलाड़ी हैं जो शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान ने आईपीएल सीजन का अपना पहला खिताब जो है वो अपने नाम किया था और पिछली बार भी टीम फाइनल तक गई थी लेकिन वहां पर वो हार गई। तीसरे नंबर पर दोस्तों नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की वो बड़ी टीम है जिसके पास हमेशा बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं और फैंस फॉलोइंग भी काफी अच्छी रही है, लेकिन ये टीम आज तक खिताब नहीं जीत पाई है। खिताब जीतने के लिए जरूरी है कि प्लेऑफ खेलना, और दोस्तों इस सीजन में आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। विराट कोहली जहां फॉर्म में लौट चुके हैं, वहीं पर कार्तिक, डुप्लेसी, हसरंगा, पाटीदार, मैक्सवेल, ब्रेसवेल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी इस बार आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों आरसीबी 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेल चुकी है, तो इस बार भी एक बार फिर से आरसीबी के चांसेस है प्लेऑफ में क्वालिफाई होने के। और नेक्स्ट जो चौथी टीम जो है वो आती है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2023 के पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। टीम के कप्तान ऋषभ पंत चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं और उसके बावजूद भी दिल्ली को कमजोर नहीं आंका जा सकता। दिल्ली के पास में कप्तानी कर रहे डेविड वार्नर के अलावा चलमाश, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, एंड्रिक नोकिया, लुंगी एंगडी, अक्षर पटेल, रायली रूसो, रोमन पावल जैसे खिलाड़ी हैं जो टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। आईपीएल में दिल्ली का बेस्ट प्रदर्शन 2020 में आया था, इस साल टीम फाइनल में पहुंची थी लेकिन मुंबई से उसे हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों ये तो थी वो चार दावेदार टीमें जो कि क्वालिफाई हो सकती हैं, और इसके अलावा दोस्तों कुछ टीमें हैं जो कि टक्कर देंगी, जिसमें दोस्तों आपके सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, यहाँ पर ये तीन टीमें जो हैं वो टक्कर देंगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहेंगी वो टीमें जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई हो सकती हैं। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें होंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई और कौन सी टीम जीतेगी इस बार का ट्रॉफी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।